गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नए नए स्टूडेंट्स भी जो चैनल से जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सो गाइज, आज हम बात करेंगे, मेरे पास एक वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन आया है प्रणॉय जी का। ये कह रहे हैं कि मुझे पावर बीआई में डैक्स में एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं डिस्टिंक्ट काउंट और डिस्टिंक्ट जो ये दो फंक्शंस हैं इनका डिफरेंस पता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी सर्च की लेकिन उन्हें कहीं भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। आप भी अगर पावर बीआई यूज़ करते होंगे तो डेफिनेटली आपने डिस्टिंक्ट काउंट के बारे में सुना होगा, राइट? वैसे ही पिवट्स वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि डिस्टिंक्ट आपको कैसे यूज़ करना है, डिस्टिंक्ट काउंट कैसे यूज़ करना है, और इसी कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर करूँगा। थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए, डिस्टिंक्ट काउंट जो है पावर बीआई में, जो ये डैक्स फंक्शन हम बात कर रहे हैं, ये आपको नंबर रिटर्न करता है, डिस्टिंक्ट नंबर रिटर्न करता है, यानी डुप्लीकेट्स रिमूव करके। जैसे आपके टेबल में अगर एक लेट्स से आइटम है पनीर, पनीर आपका चार बार आ रहा है, और दूसरी तरफ लेट्स से समोसा आपका चार बार आ रहा है, तो आपका डिस्टिंक्ट काउंट कितना हुआ? समोसा एंड पनीर दो, राइट? तो डिस्टिंक्ट काउंट जो है आपका वो इसलिए यूज होता है। जो डिस्टिंक्ट फंक्शन है वो एज इट इज डायरेक्ट आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, और यही प्रॉब्लम होती है जब हम आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट आपका जो है वो टेबल्स के लिए यूज किया जाता है। टेबल के अंदर जो आपका जो भी आप कॉलम जिस पे आप बात करना चाहते हैं वो कॉलम को पूरा रिटर्न करता है, लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यूज के साथ रिटर्न करता है। यानी कि अगर मुझे किसी टेबल में ऐसे में काम करना हो जिसमें मेरे पास लेट्स से एक नंबर है, एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, आपके पास एक नंबर आ रहा है टू, वो है फाइव टाइम्स, ठीक है? अब आप ये चाहते हैं कि मुझे इस नंबर का टोटलिंग करना है, लेकिन इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करके टोटलिंग करना है। अब टू के साथ मैं थ्री भी ऐड कर देता हूँ, लेट्स से थ्री भी फाइव टाइम्स आ रहा है, तो टू प्लस थ्री आपका आंसर होना चाहिए विच इज फाइव। तो आप क्या करेंगे? फिर आप डिस्टिंक्ट काउंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टोटलिंग के लिए डिस्टिंक्ट काउंट यूज नहीं होता। डिस्टिंक्ट काउंट तो ये कह सकता है कि दो नंबर्स हैं, यूनिक यूनिक पकड़ लो इनको और काउंट दे दो, लेकिन उन नंबर्स का अगर हमें सम करना हो सकता है आपको स्टूडेंट्स का सम करना हो, और आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट का ऊपर एक सम है और नीचे भी वही उसके लेट्स से मार्क्स हैं, मार्क्स दो बार एक जैसे आ रहे हैं, आपको एक ही बार वो उठाना हो, तो उस केस में आप डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या करेगा, वो इस टेबल को उठा लेगा, लेकिन फिर इस टेबल को आप किसी और डैक्स में जो इसके लिए बनाया हो वो यूज कर सकते हैं, जैसे आप सम एक्स में से यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैं इन दोनों फंक्शंस के बारे में अब बात करने जा रहा हूँ, राइट? और जाने से पहले, यस, दिवाली सेल अभी भी ऑन है, अगर आपको आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब इन दोनों फैबुलस फंक्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं, और आपका कोई डाउट क्वेश्चन होगा एज यूजुअल प्लीज वीडियो के नीचे आप जरूर डालिएगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है? तो ये स्टूडेंट ने पूछा है और मैं कोशिश करूंगा आप सबको इसके बारे में जानकारी मिले आज। डिस्टिंक्ट, माफ कीजिएगा स्पेलिंग इसकी, आप ठीक कर लीजिएगा। तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं पावर बीआई में। देखिए, मेन डिफरेंस तो ये है कि जैसे सपोज अब मैं आपको अगर इस टेबल में लेके जाऊँ एग्जांपल के लिए, आप देखिए इसमें आइटम्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? अगर आप ये देखना चाहें कि डिस्टिंक्ट काउंट कितना है, मतलब कि कितने आइटम्स हैं जो इसमें यूनिक हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो हमारा मेजर होता है, मेजर में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप सीधा डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से डीसी, ठीक है? सो ये है डीसी टैक्स। तो आप इसको डिस्टिंक्ट काउंट को यहाँ लिखेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट ये आपने लिखा, और उसके बाद आपको कॉलम का नाम दे दें, जो भी कॉलम है, जैसे हमारा आइटम का नाम है, ठीक है? सो हम इसमें इसको एंटर मारते हैं और मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए। तो कितने आइटम्स है? फोर है, चेक कर लें हम। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, टॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, राइट? समझ के आपको आ गया होगा। अच्छा, अब जब बात हम करते हैं डिस्टिंक्ट की, ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप डिस्टिंक्ट लिखते हो ना तो आपको वहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मैं न्यू मेजर में जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, लेट्स से टेस्टिंग लिख देते हैं, टेस्टिंग डिस्टिंक्ट। तो क्या होता है कि क्योंकि नाम सेम है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट काउंट है, तो कंफ्यूजन रहती है। जब आप डिस्टिंक्ट लिखते हैं ये वाला,
देखिए इसमें वो डेफिनेशन क्या दे रहा है, रिटर्न्स अ वन कॉलम टेबल दैट कंटेन्स द डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन अ कॉलम फॉर अ कॉलम आर्गुमेंट और मल्टीपल कॉलम्स विद अ डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, फॉर अ टेबल एक्सप्रेशन। मतलब ये है कि ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, ये पूरे का पूरा कॉलम रिटर्न करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे मैंने डिस्टेंट लिख दिया, अब आप बोलो भैया मुझे तो ये काउंट चाहिए, और आप काउंट के लिए डिस्टेंट काउंट नहीं डिस्टेंट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे जी कॉलम नेम है तो कॉलम नेम हम आइटम दे देते हैं, ठीक है, आप यही करोगे, दे देते हैं, ठीक है। अब मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है, एंटर मारता हूँ, और इसको हम यूज करके देखते हैं पावर बीआई में, ये है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ये रहा, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ पे ट्रैक करता हूँ, समझ आ गया आपको, ये देखो कांट डिस्प्ले द विजुअल, क्योंकि क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज नहीं होता है, ये टेबल रिटर्न करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो टेबल रिटर्न अगर आपको करना है तो वो उसमें वो बीआई में नहीं आपको ऐसे दिखेगा, तो आप बोलोगे फिर ये कहाँ यूज होता होगा, अरे अगर आपने एक डिस्टिंक्ट टेबल चाहिए और उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ आइडिया के लिए आपको कि भाई इसमें जो डिस्टिंक्ट मेरे आइटम्स हैं उसका हमें सेल का सम चाहिए, तो वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है डिस्टिंक्ट के नाम से जो वो टेबल आपको फिल्टर करके दे देगा। अब वो जो टेबल आपके पास फिल्टर होकर आ गया तो उसमें आप जो मर्जी कीजिए, ठीक है। अब जैसे आपको इनका इन इन सभी का मैं आपको कहता हूँ कि इनका काउंट चाहिए आपको डिस्टेंट के थ्रू चाहिए, लेकिन वही सेम रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये तो करेगा नहीं कुछ, आप इसके पीछे काउंट रोज लगा दोगे, काउंट रोज आपको अगर आता होगा, काउंट रोज क्या करता है किसी भी टेबल की रोज काउंट कर लेता है। अब काउंट रो में टेबल जो है वो आपने डिस्टिंक्ट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये कहा कि एक ऐसा टेबल है जिसमें सिर्फ वैल्यूज यूनिक है, डुप्लीकेट सारी रिमूव कर दी है, ठीक है। अब काउंट रो जो फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो तो आप यूज कर ही सकते हैं। अब हमने इसको जैसे एंटर मारा, आप देखेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊं, ये हमारा ये वाला है ना, आप देखो अब आंसर आना चाहिए, आंसर क्या आएगा, वही 4 ही आएगा, क्योंकि टेबल तो यूनिक, हम एक ही सेम ही टेबल यूज कर रहे हैं, ये देखिए, समझे आप बात को। तो काउंट जो डिस्टिंक्ट काउंट होता है वो आपको फटाफट से वैल्यू रिटर्न कर देता है वहां दिखाने के लिए, लेकिन जो डिस्टिंक्ट होता है ना गाइस, वो डिस्टिंक्ट सिर्फ टेबल रिटर्न करता है, उस टेबल को आप डायरेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन है, ये हमारे नंबर्स के लिए यूज होते हैं, ग्राफ्स के लिए यूज होते हैं, तो अगर आपको उस टेबल को कहीं किसी और कैलकुलेशन में यूज करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर यूनिक आइटम्स का सम रखना हो, तो अगर आपको सम एक्स फंक्शन आता हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सम एक्स के ऊपर हमारा एक वीडियो भी आ चुका है बहुत पहले, आप देख लीजिएगा। जैसे सम एक्स किया, अब सम एक्स में मुझे फिल्टर चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे जो फिल्टर करना है वो डिस्टेंट लगा के करना है, और टेबल जो मेरा है वो टेबल वन है, ये वाला टेबल वन है, ठीक है। अब इसमें हम एक कॉलम उठा लेंगे जो भी हमें करना है, मैं कहता हूँ सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल सेल किया आपने, ठीक है, तो जो सेल वहां पे रिपीट हो रही होगी वो एक आ जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंट कर दिया, उसके बाद सम एक्स में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब ये कि भाई वो कौन सी फील्ड है, ठीक है, तो हमें जो फील्ड है वो सेल को ही यहाँ पे आप दोबारा लिख देंगे, तो क्या होगा कि अब समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अब मैंने ये टेस्टिंग डिस्टिंक्ट देखा तो ये देखिए 23 हो गया, 23 क्यों हो गया, क्योंकि आपके टेबल में जो सेल होगी ना वो रिपीट वाली काउंट नहीं हो रही होगी। जैसे देखिए आप इसको देखेंगे, 3 है, 3 + 4 कितना हो गया 7, ये वाला 4 डुप्लीकेट है तो ये आप वो ऐड नहीं करेगा, तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 के बाद है 5, 9 + 5 हो गया आपका 14, ठीक है, 14 के बाद आपका 14 के बाद क्या हुआ, 14 के बाद हो गया 9, 14 और 9 कितने होते हैं, 14 और 9 हो गया आपका 6, 23 क्या था आंसर, 23, समझे आप। तो इस तरीके की चीजें आप डिस्टिंक्ट से कर सकते हैं। इन शॉर्ट जाने से पहले, डिस्टिंक्ट काउंट है जब आपको कोई नंबर प्रिंट करवाना हो, नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए कोई भी फॉर्म हम लगाते हैं नंबर्स के लिए, नंबर्स भी तो खेलते हैं, नंबर्स ही तो हम पब्लिश करने के लिए यूज करते हैं, राइट। लेकिन जो डिस्टिंक्ट है वो काम करता है कि वो टेबल
आपको सप्लाई कर देता है। वो टेबल आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आप उसको ऐसे नहीं यूज कर सकते, वो टेबल आप किसी और फंक्शन में यूज कर सकते हैं जो कैलकुलेशन देकर आपको कोई नंबर रिटर्न करवाता हो, तो टेबल पे कंट्रोल बढ़ जाता है आपका। तो उम्मीद है आपको ये डाउट क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है। और अब हम मिलते हैं अगली बार एक्सेस के वीडियो में। थैंक यू।